ये तो पुलिस वाली है उस्ताद। अबे तो क्या हुआ, है तो एक औरत ही, और औरत को तो बेवकूफ बनाना और भी आसान है। अरे मैडम ये तो पंचर हो गया। वो तो गई। अरे आप सुनिए होगा मैडम, आप रहने दीजिए, आप वर्दी में तो क्या हुआ, हैं तो आप औरत ही। मैडम यही मेरी गैराज है, सोनू टायर पंचर शॉप। मैं अभी पंप लेके आया। ठीक है भर दे। ओए कहाँ जा रहा है? मैडम वो पंप लाने। नहीं नहीं पंप की क्या जरूरत है? क्यों तू तो आदमी है ना, हैं मुंह से भर। हाँ तू आदमी है, तू हर काम कर सके है, तो मुंह से हवा भर पंचर में। मजाक कर रही ना मैडम? क्यों तुम्हारा जीजा है या फूफा और हमारा, या आर यू बॉय नेक्स्ट डोर जिससे मैं मजाक कर रही हूँ, अटखेलियां खेलूंगी, मजा आएगा मन में। हवा तो तू मुंह से ही भरेगा, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि थारे अंदर जो मक्कारी की हवा भरी है ना, वो आज मैं निकालूंगी। जो तूने मुंह से टायर में हवा ना भरी, तो तुम्हारी बंदूक में जितनी गोलियां हैं वो मैं थारे में भर दूंगी, मन में महादेव की कसम। चल और हवा। अरे चलिए चलिए मैडम, हैव गुड नाइट, बाय बाय। नहीं हो रहा मैडम। क्या हुआ, निकल गई हवा? हाँ मैडम। तू तो कह रहा था मर दूं हवा भर दूंगा, अभी इतने में प्राण पखेड़ू उड़ने को तैयार हो रहे थारे, तो फिर कैसे, मतलब किस मुंह से औरत को चैलेंज कर रहा था भाई तू? कल्पना चावला जी का नाम सुना है? हाँ मैडम। तो जब उनके जैसी औरत चांद पे पहुंच सके, तो मारे जैसी औरत एक टायर ना बदल सके? जी मैडम। औरत के कर सके ना कर सके, के खा सके के पहन सके, मत बताओ आदमियों। और यो मक्कारी किसी भी और के संग करी ना, तो ढूंढ के एक एक कील घुसेड़ दूंगी थारे में। मजाक ना कर रही हूं, इब जा पंप ले गया। मैडम ट्यूशन से लेट हो गया हूँ, अकेले जाने में डर लगता है, मुझे घर छोड़ देंगी प्लीज? तू स्टूडेंट है, बैठ गाड़ी में। थैंक यू। ये तो हालत है। आज हमारे लखनऊ शहर में इजिप्ट की मम्मी लाई जा रही है। ये प्राचीन और दुर्लभ मम्मी एक विशेष अभियान के तहत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहुंचाई जाएगी, जहां इनका विश्लेषण होगा और फिर पूछी जाएगी कि ये कहां रखी जाएगी, क्या होगा, यहां क्या मम्मी की कमी है। क्या होता था जब पुराने जमाने में, राजा महाराजा के जमाने में कोई मर जाता था ना, तो उसको ना ही जलाते थे ना ही दफनाते थे, एक अद्भुत प्रकार का पदार्थ रहता था, उसका लेप उसके शरीर में लगाकर उसके पूरे शरीर को कपड़ा से लपेट कर ताबूत में बंद करके सुरक्षित रख दिया जाता था, ताकि उसका शरीर जो है एकदम वैसे ही सुरक्षित रहे। जब से ये बात आम हुई है कि हमारे शहर में ऐसी ऐतिहासिक और प्राचीन मम्मी आ रही है जिसकी कीमत करोड़ों और अरबों में है, बहुत सारे नामी गिरामी ठग और चोर इसको प्राप्त करने की जुगत में लग गए हैं, जिससे सरकार के लिए इस मम्मी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पुष्पा जी क्या हुआ, वैसी टेढ़ी टेढ़ी क्यों चल रही है? वो क्या हुआ ना, कल रात एक तो हम बहुत देर तक फोन पे बात कर रहे थे, उसके बाद शायद तकिए की वजह से ना हमारी गर्दन पूरा हाथ अकड़ गया है, नस पे नस चढ़ गई है शायद। सुनो जरा फोन निकालो, नवाब साहब को फोन लगा के दो। सुबह सुबह नवाब साहब को फोन? ये पर्स में रखा है ना। नवाब साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे, और वो भी हमारा, जबकि उनको पता है कि आज के दिन उनको रेंट देना होता है, फिर भी फोन नहीं उठा रहे, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ हो सकते हैं नवाब साहब? वहाँ है नवाब साहब, देखिए। आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा।
वो मम्मी हमारी है, हमारी मिल्कियत है, नवाब फखरुद्दीन यानी कि हमारी खानदानी विरासत है वो। पर इस मम्मी से आपका क्या रिश्ता है नवाब साहब? रिश्ता? हाँ जी, क्या सवाल किया है आपने? बहुत साल पहले हमारे अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, मतलब हमारे अब्बाओं के अब्बा इजिप्ट गए थे घूमने और उनको मोहब्बत हो गई। अरे अब्बाओं के अब्बा को वहाँ की महारानी से, बस। अरे भाई ये हमारी वंशज हुई ना। अरे बस भी करो, आपने कह दिया तो हो गई मम्मी आपकी। इस मम्मी के हम वंशज हैं। देखिए देखिए ये सब बहस चलती रहेगी। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट श्री बुद्धदेव साहब। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे बुद्धदेव साहब? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐतिहासिक मम्मी हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। इट्स ए नेशनल ट्रेजर एंड इस पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का अधिकार है। बाकी कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। फिलहाल हम इस ऐतिहासिक मम्मी को हमारे शहर के सबसे सुरक्षित म्यूजियम में रखेंगे। नहीं नहीं हम ये नहीं मानेंगे। लेकिन हमने सारे सारे कीमती चीज के लिए इस तरह के दावे, वाद विवाद स्वाभाविक है। कौन नहीं चाहेगा कि आज की तारीख के इतने अनमोल, इतने कीमती खजाने का मालिक बने। फिलहाल इसकी कीमत 10 करोड़ आकी गई है। इस 10 करोड़ की मम्मी के लिए एयरपोर्ट पे भी लोगों की भीड़ लग चुकी है और तो और म्यूजियम के बाहर भी लोगों की भीड़ ने म्यूजियम को घेर रखा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मम्मी है ही इतनी अनोखी और लाजवाब। एक तो पहले ये मम्मा इतना महंगी, ऊपर से ये मीडिया वालों ने हर जगह चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि इसका असली कीमत क्या है। अभी कौन सा चोर उचक्का ऐसा गोल्डन चांस छोड़ेगा? मैंने ये वर्दी नहीं पहनी होती ना मैं भी जाती। देखो उर्मिला, एसएस का पूरा जिम्मेदारी जो है ना वो पूरा तत्व विभाग का है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, अभी उनका है तो वो संभाल ले। हसीना मलिक, हसीना मलिक जी कहाँ हैं आप? अरे रिस्पांस रिस्पांस रिस्पांस, हसीना मलिक जी कहाँ हैं? जी एसआई करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग सर, बताइए आदेश दीजिए। आप लोग एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर की दूरी पर हो? सर लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, एक काम करो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंचो। आप लोगों के संज्ञान में तो होगा इजिप्ट से मम्मी आने वाली थी। अब पता नहीं ये बात कैसे वायरल हो गई, एयरपोर्ट घेर कर लोग बैठे हैं, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है। जी 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 सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 आप आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप फौरन एयरपोर्ट पहुँचिए और मम्मी को दूसरे वहाँ से सुरक्षित अपने थाना ले जाइए। और जैसे ही स्थिति नियंत्रण में होगी प्राचीन विभाग वाले मम्मी को कलेक्ट कर लेंगे। समझ गए आप? जी 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 हम समझ गए। इस क्राइसिस में हमें आपसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं है। ओवर एंड आउट। जय हिंद सर, ओवर एंड आउट। कायरे देवा, बस बोलने की देरी थी, लगा देना अपने को काम पे। काली जुबान, मैं काली जुबान। अबे इतने सिक्योरिटी किस लिए? मम्मी के लिए। अबे मम्मी तो ऑलरेडी पट्टी से बंधी हुई है, कौन सी फरार होने वाली है? लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ। कैसा राक्षस छोटा? अरे यार राक्षस है तुम्हारा बेटा। माँ माँ चाय गरम। ए बिल्ले, अरे बदनाम इसलिए चाय गरम ही रहता है। अच्छा हाँ माँ। हाँ वैसे मैंने सुना है ये ऐसी डेड बॉडी को जब जलाया नहीं जाता तब तब उस डेड बॉडी की आत्मा खून की प्यासी अपना शिकार ढूंढती है। हमने सुंदर शिकार, जब आत्मा को सुंदर शिकार मिल जाती है तो आत्मा उस शरीर में घुस जाती है। वो आत्मा यही है, यही यही यही। अरे ये कॉफी मैंने खुद पटक दिया था, तुम डरपोक सब भट्टू। ओ ये कहाँ चल रहा है ये? हाँ क्या टोपा गिरी है ये? और अरे मैडम चाय देना है तो। किसने बुलाया था इसने? भाग 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 भैया, कौन किसने खोला इसको? हाँ किसने खोला, किसका इतना भाग? रे रे बिलोटा रे। हम नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं नहीं, मैंने 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 खोला। तो पा गई हो क्या तुम बिल्कुल भी? हाँ खिलौना है ये,
खिलौना दिखता है जो तुम इससे खेल रहे हो, कोई नहीं खेलेगा इससे, समझ गए हमारी बात को? कोई नहीं खेलेगा इससे, ये हमारा जिम्मेदारी है। हट, वो भी हम ही उठाए। संतू उठा। क्या उठा कि फोन के पास ले? अरे अरे, क्या क्या पगला गई हो, हमें क्या उठा रही हो? फोन उठा ऐसा कह रहे हैं हम? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात हसीना मैम से हो सकती है प्लीज? आप कौन बोल रहे हैं? आप मेरी बात हसीना मैम से करा दीजिए प्लीज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं उन्हें सब बता दूंगी, आप प्लीज मेरी बात उनसे करा दीजिए प्लीज। हाँ, आप घबराइए मत, हम आपका बात कराते हैं। चलो, हसीना मलिक से कोई बात करना चाहता है, बहुत घबराई हुई लग रही है, तुम संभालो। हेलो, हाँ कौन? हसीना मैम, मैंने सुहासिनी बोल रही हूँ, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं मैडम, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए, ये लोग किसी भी वक्त मेरे पे अटैक कर सकते हैं, प्लीज आ जाइए। हाँ तो अपना लोकेशन बताओ, हम तुरंत आते हैं। हाँ मैडम, मुझे पता नहीं मैं किधर हूँ, बट ये इधर बहुत सारी ना गाड़ियाँ लगी हुई है, मैं उनमें से एक गाड़ी के पीछे छुपी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, हमें बताओ आसपास कोई लैंडमार्क होगा, कोई बिलबोर्ड होगा, कुछ तो होगा। हाँ मैम, यहाँ पे ना अपोजिट रोड में ना एक नेता के इलेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ना अभिनंदन माया नगर वासी लिखा है मैम, आप आ जाइए प्लीज। हाँ ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हें एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उस पे फोन करो, हम वहीं से तुम्हें ट्रैक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे तुम तक, ठीक है? ओके, लिखो। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। या गुड मॉर्निंग जी, कहिए। आई एम बुद्धदेव, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ म्यूजियम से, हम मम्मी लेने आए हैं। हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए, जितनी जल्दी हो सके ये मम्मी यहाँ से लेके जाइए। ओके, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए। होल्ड, पुष्पा जी थोड़ा आईडी वाईडी तो चेक करो। अरे वाह संतु, हमारे अंडर बहुत अच्छे से ट्रेन हो रही हो तुम। एक मिनट, हम इधर है। हाँ। देखिए पूरा मत मानिएगा, हम आपका आईडी कार्ड देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ हम चेक करते हैं, हम इनको टीवी में देखे हैं। टीवी में आप कुछ अलग लग रहे थे और इसमें कुछ अलग लग रहे हैं बुद्धिजीवी जी। अच्छा देखो, नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन मिस्टर चीता। चीता चतुर्वेदी। चतुर्वेदी क्या है, आपने मुझे टीवी पर स्टूडियो की लाइटिंग में देखा और यहाँ पर ये ओरिजिनल लाइटिंग, एक जैसे कैसे लग सकते? हाँ सुहासिनी, तुमने जो लैंडमार्क बताया था ना, वहाँ पर हम तुरंत पहुँचने ही वाले हैं दो मिनट में, तुम बताओ कि तुम कहाँ हो? आप माया नगर पहुँच गए ना मैडम? तुम टेंशन मत लो, बहुत पास में, तुम्हारे बहुत पास में, अब पहुँच गए बस। आगे 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 वहाँ पे, यहाँ पे दस्तखत कीजिए। तो क्या अब हम इसे ले जा सकते हैं? हाँ हाँ ले जाइए, कम ऑन फास्ट। हेलो सुहासिनी, हम यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ रास्ता खत्म हो चुका है, आगे बस एक खाली मैदान है, तुम कहाँ हो? कांग्रेचुलेशंस मैम, आप इस टेस्ट पे पूरे नंबर से पास हो गई हैं। हाँ? का मतलब? मतलब कुछ नहीं, बोर हो रही थी ना, खाली थी तो सचा हमारे शहर की पुलिस देखा जाए कितनी एफिशिएंट है। क्या है ना, अगर इन फ्यूचर मुझे महिला पुलिस थाने की जरूरत पड़ गई तो वो समय पे पहुंच पाएंगी या नहीं, बस यही चेक कर रही थी। वैसे मैं ठीक हूँ, अपने घर पर हूँ और मजे से हूँ, और आप इस टेस्ट पे पास हो गई हैं, मुबारक हो। थैंक यू मैम। हेलो सुनो, हेलो हेलो, ऐसे टोपा लोगों की वजह से जरूरतमंद लोग, जिनको सच में जरूरत होता है पुलिस का, तो पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती, इनकी वजह से। इसकी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे करने का? नहीं 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 नहीं, सटक संधि, मेरे को लग रहा है मेरा ना दिमाग का सिग्नल बोल रहा है कि ये इसके पीछे की वजह कुछ और है। क्या वजह? मेरे को लगता है कि ये प्लान है। क्या? कैसा प्लान? अपने को हटाने का। क्या? अरे थाने से हटाने का, और किधर से? काहे लेकिन काहे? चल चल रास्ते में बताती हूँ, चल 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 थाने घूम, चल चल चल। पुष्पा जी, चीता, मम्मी लेने आया था कोई? हाँ
आए थे और लेकर भी चले गए। आप लोगों ने आईडी वगैरह सब कुछ ठीक से चेक किया? हमें पूछ रही हो हा? हम कांस्टेबल पुष्पा सिंह है और वो भी हेड कांस्टेबल। मम्मी वही गई है जहाँ उसे जाना चाहिए था, एकदम जिम्मेदार हाथों में। संभल कर मां। अब लोग रुकिए। जी कहिए। मैं बुद्धदेव, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग की तरफ से। ये रहा ऑर्डर, हम यहाँ पे मम्मी ले जाने आए हैं। इसको शायद पता भी नहीं है कि जो असली बुद्धदेव आर्कियोलॉजिस्ट हाँ भाई, वो मम्मी को लेकर चला भी गया है। क्या? हाँ तो मैं ही बुद्धदेव हूँ, सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ये रहा मेरा आईडी। अब आप शराफत से मम्मी देते हैं या मैं हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट करूं? कहाँ है मम्मी? आप असली है तो मतलब मम्मी तो कोई और लेके गया। क्या? आप लोगों के संज्ञान में तो होगा इजिप्ट से मम्मी आने वाली थी। अब पता नहीं ये बात कैसे वायरल हो गई। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप फौरन एयरपोर्ट पहुंचिए और मम्मी को दूसरा वाहन से सुरक्षित अपने थाना ले जाइए। मम्मी को किस थाने में ले जाया जा रहा है ये पुलिस वायरलेस को हैक करके हमें बड़ी आसानी से पता लग गया। थाने से कुछ लोग प्राचीन और ऐतिहासिक मम्मी उठा कर ले जाते हैं और पुलिस खुद पूरे सम्मान के साथ उन्हें टाटा बाय बाय करती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये काम भी चिंटू और चिंकी नाम की उसी ठग जोड़ी का है जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़ी ठगी और कई बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी बड़ी चोरियों के बाद भी किसी भी स्टेट की पुलिस आज तक इन्हें पकड़ नहीं पाई है। क्या मम्मी जैसी बेशकीमती नेशनल ट्रेजर लेकर के दोनों गायब होने में कामयाब हो जाएंगे? कैसे कैसे कर सकती हैं आप लोग इतनी बड़ी गलती? हम सब जानते हैं सर, हमने इस काम के लिए अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए थे सर। बेस्ट ऑफिसर्स? ये हैं आपके बेस्ट ऑफिसर्स जिन्हें उन्हीं के थाने में आकर कोई भी चलता फिरता टक्कर चला जाता है? क्या जवाब दूंगा मैं मीडिया को, देश को और देश की जनता को? पिंकू जी सर, मीडिया को अंदर बुलाइए सर। तो क्या लगता है सर आपको इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, हम ही जिम्मेदार हैं, हमारी ही गलती है ये सारी। हमने डीएसपी साहब से कहा कि मम्मी आ रही है। तो आप अच्छे से सक्षम मजबूत सुरक्षा अधिकारी भेज दीजिए। तो डीएसपी साहब ने भेज दिए महिला सुरक्षा अधिकारी। शायद हम ही नहीं समझा पाए डीएसपी साहब को इस मामले की गंभीरता कि ये काम औरतों के बस का नहीं है, किसी मर्द अधिकारी को भेजे। जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें कर ही नहीं सकते। और ये बात हसीना मलिक और करिश्मा सिंह ने साबित कर दी कि औरतें औरतें हैं और मर्द मर्द। तो अब आगे प्रशासन की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, एक बात तो तय है कि अब इस केस को कोई भी महिला अधिकारी तो हैंडल नहीं करेगी। आपका फोन आया। लाइव है पिंकू जी, हम उठा लीजिए सर वरना ये लाइव नहीं रहेंगे। देखिए किसका है। Excuse me. हेलो, हाँ मैडम जी, कैसी हैं आप? सब कुशल मंगल पे है ना? महाकाइयां, आपको तो पता ही है नेता जी, या भूल गए? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम जब भी बाहर आते थे आप ही तो उठाकर वापस हमें अंदर डालती थी। आप ही की कृपा से जेल के आधे पेड़ हमीने तो लगाए हैं। पेड़ों के साथ साथ अगर अपनी यो लंबी सी जबान पे लगाम लगा लेते ना नेताजी तो बढ़िया रहता। पर आपका के है, माइक हाथ में आया नहीं, आप अपने आप को समझने लग गए परफॉर्मर।
जो मन में आया, जो जबान में आया, बकते चले गए। जैसे कि अभी अभी मैंने देखा टीवी पे, कितनी बेइज्जती करी आपने हमारी। ना ना, हम आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो तो हम औरतों के बारे में बोल रहे थे। ओहो, आई एम सो क्यूट, मैं भूल ही गई, मैं तो एलियन हूँ, मैं तो औरत हूँ ही नहीं। मैडम, मैंने तो ऐसे ही सामान्यता औरतों के बारे में बोला था, आपके बारे में थोड़ी बोला था। ओ नेता, सबसे पहले मैं एक औरत हूँ और किसी भी औरत का अपमान हमारा अपमान है। मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मीडिया भी यही मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं सबके सामने जाके माफी मांग लेता हूँ। बात थारी ना है, बात है थारे जैसे लाखों लोगों की घटिया मानसिकता की, जिन्होंने सदियों से औरतों को कमजोर, नाकाबिल और नॉन डिजर्विंग समझ रखा है। और तुमने क्या कहा कि यो केस इब कोई महिला अधिकारी साल्व ना करेगी। तुम्हारी बात सुन ले नेता, कि इब अगर यो केस सॉल्व होगा तो इसे एक महिला अधिकारी ही सॉल्व करेगी। मैं खुद अभी पूरे मीडिया के सामने जाकर अनाउंस करता हूँ कि अब ये केस चंद्रमुखी चौटाला जी देखेंगे। जिससे कहना है कह दो जाके, चंद्रमुखी चौटाला इज कमिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।